रविवार रात कवरेज करने गए पत्रकार भरत पाटिल एवं देवेंद्र के साथ जूनियर डॉक्टरों ने मारपीट कर दी, वही कैमरे तोड़ उनके मोबाइल छीन लिए। घटना की जानकारी लगते ही पत्रकार एकत्र हुए और डीआईजी को ज्ञापन देकर डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रेस क्लब टीम ने डीआईजी को वीडियो फुटेज भी उपलब्ध कराया। डीआईजी ने बताया कि घटना में 4 आवेदन आए हैं जिसकी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पत्रकारों से मारपीट के बाद पत्रकार जगत में खासा रोष है। कहा जा रहा है कि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो पत्रकार सड़क पर मोर्चा संभालेंगे। को मारपीट हुई है, कोई डॉक्टरों ने करी है, मोबाइल भी छीन लिया, क्या कहना पड़ता है? देखिए, कल जो जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, हमारे पत्रकार साथियों के साथ जो पिटाई हुई है, कल रात को हमने थाने पर आवेदन करा, डीआईजी साहब से अभी निवेदन कर लिया है और शाम तक एफआईआर नहीं हुई तो कल से पत्रकार जगत में भी धनाधन की स्थिति में आ जाएंगे और डॉक्टरों से हम खुद निपट सकते हैं। हम आज शाम तक का इंतजार करेंगे। डीआईजी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम शाम तक जो दोषी डॉक्टर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। और जिस तरह से मारपीट हुई है काफ़ी निंदनीय है। पत्रकार साथी कोरोना काल में पत्रकार मेहनत कर रहे हैं, फील्ड में जाना, जिस तरह से बदतमीजी और मारपीट उनके साथ हुई है, मैं उसकी निंदा करता हूं। हम एसपी साहब से मिले थे, डीआईजी साहब से भी मिले थे, हमने उनसे निवेदन किया है कि इसमें कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कभी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर इंदौर की मीडिया जगत पत्रकार साथी के साथ है और हमको सड़क भी पकड़नी पड़ी, हम बिल्कुल आंदोलन कर रहे हैं। कुछ पुलिस कर्मियों के संग मारपीट हुई है, क्या है सर, क्या इसमें एफआईआर होगी? इस घटना में वहाँ पर MIH में घटना हुई थी जिसमें कुल 4 आवेदन आए हैं, जिसमें एक मीडिया कर्मी है उनकी तरफ से आया है, एक जो परिजन जिनको चोट लगी है उनकी तरफ से, एक पुलिसकर्मी की तरफ से, एक डॉक्टर की तरफ से। इन चारों मामलों में अभी वहाँ के CCTV फुटेज जो हॉस्पिटल में उनको निकालने के लिए निर्देशित किया गया है और उसके साथ फिर उसमें वस्तुनिष्ठ तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। सर, एक चीज़ है कि मोबाइल भी छीन लिया गया है, कैमरा भी तोड़ दिया गया है, क्या इस चक्कर कार्रवाई होने की उम्मीद पूरी रखें? नहीं, ऐसा अगर हुआ तो बिल्कुल ही गलत है। CCTV फुटेज पूरे उसमें परिसर में लगे हुए हैं, उनको आज निकाले जाने के लिए निर्देशित किया गया है, उसके साथ ही उसमें तथ्यात्मक कार्रवाई। एसपी साहब का कहना है कि हम मोबाइल आपको दे देते हैं तो जब्ती करना चाहिए था। नहीं, उसमें वैधानिक कार्रवाई होगी, कार्रवाई के बाद उसमें टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और